सीधे मुद्दे की बात शैलेन पाराशर के साथ सिर्फ IN7 न्यूज पर। नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैलेन पाराशर, अब शुरुआत करेंगे अब तक की खास खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर, तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की सतना न्यूज 9 नवंबर 18 में आज नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन में सभी लोगों ने अपने पर्चे भरे, जहां चर्चित में रहे दिल्ली से आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि यहां बीजेपी के प्रत्याशियों के पर्चे भरवाने आए थे, लेकिन कलेक्टर में नजारा कुछ और देखने को मिला। हम बताते कि मेहर विधानसभा के नारायण त्रिपाठी, अमरपाटन से रामखेलावन पटेल, रैगांव विधानसभा से पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी, ये तीनों बीजेपी के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जाकर पर्चे भरे। वहीं सतना विधानसभा के प्रत्याशी शंकरलाल तिवारी के नामांकन पत्र भरवाने में केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान, सतना सांसद गणेश सिंह, जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी, महापौर ममता पांड्या आदि उपस्थित रहे। तो क्या माना जाए कि क्या केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सांसद गणेश सिंह, बीजेपी प्रत्याशी शंकरलाल तिवारी ने हाईजैक किए थे? यह बात कलेक्टर कार्यालय में चर्चा का बाजार गर्म रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा सतना विधानसभा से पूर्व सतना सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा के पुत्र सिद्धार्थ कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ शहर में बिटियाई मैदान से चलकर बाजार सिटी कोतवाली होकर कलेक्टर पहुंचे, जहां उनके समर्थक भारी तादाद में। सभी को तो चुनाव लड़ाया नहीं जाता है, 230 तो प्रत्याशी होते, लेकिन इस बार हमारे वहाँ प्रत्याशियों की भारी आकर्षण था, भारी आग्रह था लड़ने के लिए। ये स्वाभाविक है, प्रजातंत्र में यही तो समय है सबके नेतृत्व दिखाने के लिए। मैं उसको बुरा नहीं मानता, जो लोग थोड़ा असहमति में आज है उनको सब मना दिया जाएगा। थैंक यू। भाजपा ने कई जगह पुराने चेहरों को भी वापस, हाँ, पार्टी जितने के लड़ती है। खबरों के लिए बने रहिए आप IN7 न्यूज के साथ, और जाने अपने गली नुक्कड़ सूबे और शहर की बात IN7 न्यूज के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार नमस्कार।